संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर है। इस बात की जानकारी सामने आते ही एक्टर के फैंस निराश हैं। जल्द ही संजय इलाज के लिए विदेश रवाना हो सकते हैं। संजय को कैंसर होने को लेकर अब उनकी पत्नी मान्यता दत्त का रिएक्शन सामने आया है। मान्यता ने लिखा, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने संजय के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ की। इस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए हमें ताकत और दुआओं की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में हमारा परिवार कई तरह की परेशानियों से गुजरा है, लेकिन मुझे भरोसा है कि ये वक्त भी बीत जाएगा। मेरी संजू के फैंस से अपील है कि किसी भी तरह की अटकलों और अफवाहों पर भरोसा ना करें, हमारी बस अपने प्यार और सपोर्ट से मदद करें। संजू हमेशा से ही फाइटर रहे हैं और इसलिए हमारा परिवार भी फाइटर है। भगवान ने एक बार फिर हमारा टेस्ट लिया है। वे देखना चाहते हैं कि कैसे हम इस चुनौती का सामना करेंगे। हमें बस आपकी प्रार्थनाओं और आशीर्वाद की जरूरत है। हमें पता है कि हम जीतेंगे, जैसा कि हम हमेशा जीतते आए हैं। चलिए इस मौके का रोशनी और सकारात्मकता फैलाने में इस्तेमाल करें। बता दें, 8 अगस्त को संजय दत्त को छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि दो दिन पहले संजय दत्त अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे। वहां एक्टर का कोरोना टेस्ट भी हुआ था जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। घर लौटने के बाद संजय दत्त ने ट्वीट कर काम से ब्रेक लेने की जानकारी दी। फिलहाल तो अब हम सब यही दुआ कर रहे हैं कि संजू बाबा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।